तो दोस्तों माँ कहता है क्लासेस में आपका स्वागत है और आपके लिए आज राजीव सर ने लाया है गणित के पैमाने। अब बच्चे कहेंगे पैमाने पढ़े बिना मन नहीं माने। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अपना बचपन तो गुजर गया दोस्तों, इसे याद करते करते याद हुआ नहीं, तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों ये समस्या बनाए रखें दोस्तों। इसीलिए आज हमने लाए हैं एक ट्रिक से गणित के पैमाने। तो दोस्तों देखेंगे कैसे हम लंबाई, भार, धारिता, ये सारी चीजें इतनी आसानी से एक ही ट्रिक से कैसे निकालते हैं दोस्तों, आज आपको मिलेगा राजीव सर के क्लास में। तो देखिए दोस्तों पैमाना क्या है, मिस डेमी डे हेगे मिरिया क्विट लगती है, क्या लगती है दोस्तों, क्विट लगती है, मिस डेमी डे हेगे मिरिया क्विट लगती है। और जब बच्चों को क्विट लगेंगे दोस्तों तो बच्चे तो मस्ती करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं मिस डेमी डे हेगे मिरिया क्विट लगती है कैसे हमारे सेंटीमीटर और मीटर को आसान करती है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों ट्रिक को समझिए दोस्तों, मी से मिलीमीटर, सौ से सेंटीमीटर, डे से डेसीमीटर, मी से मीटर दोस्तों, डे से डेकामीटर दोस्तों, हे से हेक्टोमीटर, के से किलोमीटर, अमीरिया से मिलीमीटर दोस्तों। तो अब देखो तो कितना आसान है दोस्तों, केवल याद ही नहीं करना है दोस्तों, इस पे मैथ भी हल करना है। न गुणा न भाग, राजीव सर का ट्रिक देगा पैमाने में आग लगा। तो देखिए दोस्तों कहीं कुछ नहीं करना है, बस याद रखिए मी मिलीमीटर, सौ से सेंटीमीटर, डे से डेसीमीटर, मी से मीटर, डे से डेकामीटर, हे से हेक्टोमीटर, के से किलोमीटर और मिरिया से मिरियामीटर दोस्तों। क्विट को छोड़ें दोस्तों, जब वजन की बात होगी दोस्तों तब बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों, पता भी है आपको कि 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर का एक डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर का एक मीटर होता है, 10 मीटर का एक डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर का एक हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर का एक किलोमीटर होता है और 10 किलोमीटर का एक मिलियामीटर होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए फिर से, मी से मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का एक मीटर और 10 मीटर का एक डेकामीटर और 10 डेकामीटर का एक हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर का एक किलोमीटर और 10 किलोमीटर का दोस्तों एक मिलीमीटर। तो आइए दोस्तों अब इसके मेथड को निकालते हैं दोस्तों। क्या पूछता है दोस्तों आपसे, परीक्षा में यही ना पूछता है कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर दोस्तों, तो घबराइए दोस्तों, एक लिख लीजिए दोस्तों, एक लिखा खूब आराम से लिखा, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, न गुणा न भाग। क्या करना है दोस्तों, एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है दोस्तों, इसके सीधे आगे तीन जीरो लगा दीजिए दोस्तों, आ गया दोस्तों एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है दोस्तों। देखिए कितना आसान है दोस्तों, मजा आया दोस्तों, घबराइए नहीं। और देखिए दोस्तों यदि दोस्तों आपसे पूछ दिया कि एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर, अब एक हेक्टोमीटर में दोस्तों आपको कितने मिलीमीटर बताना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, हेक्टोमीटर के नीचे एक लिख दीजिए दोस्तों और लिखने के बाद दोस्तों आप इधर काउंट कीजिए कितने जीरो मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों यहां 5 जीरो उतार दीजिए, 1,00,000 मिलीमीटर हो गए दोस्तों। और कुछ दोस्तों कहीं से निकालिए दोस्तों, एक की बात छोड़ दीजिए दोस्तों, आप कह दीजिए कि 100 डेसीमीटर में, 100 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर दोस्तों, कहीं कुछ नहीं है, 100 के आगे पीछे आइए दोस्तों, 1 0 2 0 3 0, 100 के आगे 3 0 उतार दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 1,00,000 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। किसने कहा कि आपको पैमाना नहीं आता, आता है दोस्तों, आज से ये बात मत कहना कि मुझे पैमाने नहीं आते, बस मिस डेमी डे हेगे मिरिया को याद रखना दोस्तों, क्या कि मिस डेमी डे हेगे मिरिया पीट लगती है दोस्तों। इतना ही नहीं आगे देखिए दोस्तों, ये तो बड़े में छोटे निकालने हुए दोस्तों कि बड़का भैया में छोटका बबुआ लोग का कितना बंटवारा, लेकिन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, छोटका बबुआ में बड़का भैया का कितना हिस्सा बा दोस्तों, ये देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, आपसे पूछ दिया दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर में
कितने डेकामीटर होते हैं दोस्तों, 10 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर दोस्तों, कहीं पर घबराइए दोस्तों, ऊपर 10 लिख दीजिए दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों काउंट कर लीजिए, 1 2 3 कितने दोस्तों, 3, तो 1000 हो गया दोस्तों, 1 पे 3 जीरो बढ़ा दीजिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है दोस्तों। अब आप तो होगे कि सर जी हम भाग दें क्या करें, भाग नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, बिना भाग के काम करते हैं, कहां भाग रहे हो दोस्तों, यहां भाग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 0 से 0 कटाई दो, 1 जीरो के बाद डेसिमल को सटाई दो, 1 जीरो फिर लगाई के 1 को यहां बढ़ाई दो दोस्तों, हो गया, हो गया दोस्तों, क्या हो गया कि 10 सेंटीमीटर में 0.01 का डेकामीटर होता है, समझे ना, ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे ही, काहे गणित से घबराते हो, अरे राजीव सर अभी है ना, राजीव सर है तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर देखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया दोस्तों कि 10 डेसीमीटर में या 100 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर दोस्तों, मत घबराओ दोस्तों, 100 को ऊपर कर देना, उसके बाद दोस्तों काउंट करना, 1 2 3 4 यानी 1 के बाद 4 जीरो लगा देना दोस्तों, 0 से 0 कटा दो दोस्तों, कितना बचा दोस्तों, इस 0 को यहाँ लाओ, डेसिमल को सटाओ, अगला फिर 0 बढ़ाओ और 1 को यहाँ लाओ दोस्तों, हो गया दोस्तों, 0.01 किलोमीटर होगा दोस्तों, समझे दोस्तों, मजा आया, कितना मजा आया दोस्तों, थोड़ा देखिए और देखेंगे दोस्तों, ये तो दोस्तों सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर था, मीटर की बात हो रही थी दोस्तों, अब आपसे दोस्तों ग्राम की बात करें, मत घबराओ दोस्तों, कुछ भी नहीं है, वो भी इसी पे आएगा दोस्तों, बस एक जगह परिवर्तन करना दोस्तों, क्या कर देना दोस्तों, ये जो मी है ना दोस्तों, मी को हटा दो दोस्तों, यहां से मी को हटा के दोस्तों ग्रा लगा दो, डेगा डे कर दो दोस्तों, गा लगा दो, यहां मी को हटा दो, गा लगा दो, डेगा डे हो गया दोस्तों, बस परिवर्तन इतना ही होगा दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, अब क्या पढ़ोगे दोस्तों, और मीडिया के बाद दोस्तों मिंटल भी लगा दो, हो गया दोस्तों, और क्या होता है दोस्तों, 1 मिलिया किलोग्राम का दोस्तों, 10 मिलिया किलोग्राम का दोस्तों 1 क्विंटल हो जाता है, हो गया, पैमाना है दोस्तों, कहीं कुछ घबराना नहीं है, ऐसे ही सब बताना है दोस्तों, अब देख लो दोस्तों, इसका भी रूल वही है, 10 मिलीग्राम का 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम का 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम का 1 ग्राम, 10 ग्राम का 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम का 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम का 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का 1 मिलियाग्राम, 10 मिलियाग्राम का 1 क्विंटल होता है दोस्तों, समझे का समझे, ये राजू सर का क्लास है, घबराना नहीं है, ऐसे ही सब लगाना है, अब आ जाओ दोस्तों, हम करेंगे क्या दोस्तों, कुछ नहीं, फिर वही फार्मूला, अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया कि 10 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम दोस्तों, तो कहोगे घबराएंगे, कहीं घबराएंगे, 10 को ले लो दोस्तों, 1 2 3 4 10 पे 4 जीरो बढ़ाए, हो गया दोस्तों 1 लाख सेंटीग्राम, आया दोस्तों, वैसे ही दोस्तों पीछे रिवीजन कर देते हैं दोस्तों, छोटे में बड़े को निकाल देते हैं, कहीं नहीं, अगर पूछ दिया कि 100 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 1 पे 5 जीरो लगाना है दोस्तों, अभी मत कहना नहीं आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो दोस्तों, क्या बचा दोस्तों, 3 जीरो है, 1 जीरो के बाद डेसिमल को सटाई दो, आगे 2 जीरो बढ़ाई दो और 1 को लगाई दो, ये हो गया क्या किलोग्राम, आया पैमाने में आराम, मजा आया दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों लीटर को भी निकालेंगे दोस्तों, बस अब क्या करेंगे, ग्राम के जगह गा के जगह पे ली लगा देंगे दोस्तों, लीटर में बदल जाएगा का, नहीं समझ में आवत है, अरे जब मीटर निकालना है तो मीटर लगाएंगे, ग्राम लगाना है तो ग्राम लगाएंगे, और लीटर लगाना है तो लीटर लगाएंगे दोस्तों, और कुछ लगाना ही नहीं है, बस यही तो देखना है दोस्तों, थोड़ा सा यहां पहले मी था, अब गा हो गया, आगे चल के ली
पूरी हो जाएगा, बाकी वही पैमाना चलेगा, काहे घबराते हो दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको वर्ग निकालना हो, घन निकालना हो, तो क्या करना है, कुछ करना है का? कुछ और नहीं करना है, बस आप ध्यान देना, वर्ग निकालना है तो उसको 100 से शुरू करना, वर्ग निकालना है तो 100 से, और घन निकालना है दोस्तों तो 1000 से शुरू करना, अब बाकी तो वही चलेगा। अब क्या है, 100 मिलीग्राम का एक सेंटी एक स्क्वायर सेंटीग्राम ऐसे चलेगा दोस्तों। अब यहां 10 की जगह पे 100 हो जाएगा दोस्तों, क्या घबराना है, यहां घन है तो 1000 मिलीग्राम का एक घन सेंटीग्राम, बस जहां 10 है दोस्तों 1000 चलेगा, यही तो है दोस्तों, यही तो पैमाना है, राजू सर का स्टाइल है दोस्तों, थोड़ा समझिए, ये मैथ है, मैथ से नहीं घबराना है, मैथ तो अब ऐसे ही आएगा, मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जहां तक मुझे पसंद है और मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा, अगर मजेदार लग गया तो इससे भी मजेदार वीडियो अगर मैथ में आप लेना चाहते हो, हिंदी में लेना चाहते हो, या जीएस जीके इंग्लिश के भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों, तो तत्काल उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं दोस्तों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।